हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं लाओ और मैं आज आपको बताने वाला हूं व्हाट्सएप के एक ट्रिक के बारे में। तो वो ट्रिक क्या है, चलिए आपको बताते हैं कि वो ट्रिक क्या है। जैसे कि आप किसी के पास भी आप अपना फ़ोटो शेयर करते हैं तो वो फ़ोटो हमेशा उनके पास रह जाता है। अगर आप ये नहीं चाहते हैं कि वो फ़ोटो उनके पास हमेशा के लिए रहे, तो इसका भी ऑप्शन है कि आप एक बार ही सेंड करेंगे और वो एक बार ही ओपन कर पाएंगे, उसके बाद उनके पास वो फ़ोटो ही नहीं रहेगा, ना गैलरी में ना कहीं। अगर स्क्रीनशॉट लेते हैं तो ही उनके पास वो फ़ोटो रहेगा, बाकी वो फ़ोटो उनके पास नहीं रहेगा, उसके पास से वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। तो अगर आप भी ये सेटिंग देखना चाहते हैं कि कैसे आप उनको फ़ोटो भेजें और एक बार ही उनके पास ओपन हो, तो चलिए हम बता रहे हैं उसके बारे में कि आप कैसे कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही नए नए वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए बताते हैं कि कैसे आप इस सेटिंग को कर सकते हैं। इसके लिए सेटिंग करना नहीं है, बस ये फ़ोटो भेजना है और एक ऑप्शन आता है उसमें जाके क्लिक करके भेज देंगे तो फ़ोटो उनके पास एक ही बार ओपन होगा। तो चलिए बताते हैं और लेके चलते हैं अब आपको अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप अपना व्हाट्सएप ओपन कर लीजिए। व्हाट्सएप ओपन करने के बाद जिसको भी आपको सेंड करना है उनको सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद इस ऑप्शन में चले जाइएगा, गैलरी से भी आप जाके कर सकते हैं उस फोटो को शेयर, और डायरेक्ट आप फोटो से भी कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ये है, ये देखिए, मैं यहाँ से किसी भी फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसी फोटो को ले लेते हैं, शेयर करते हैं व्हाट्सएप में। किसको करें, अपने दोस्त को ही कर लेता हूँ। यहाँ एक ऑप्शन दिख रहा होगा वन, ये देखिए, उसके बाद डॉट डॉट सेंड के बगल में, ये देखिए, इसको अगर आप सेलेक्ट कर देते हैं उसके बाद आप इस फोटो को उनको शेयर करेंगे तो उनके पास ये फोटो पहुंच जाएगा और एक ही बार ओपन होगा। एक बार से दोबारा ये फोटो उनके पास ओपन ही नहीं होगा। और अब अगर आप नॉर्मली कर रहे हैं तो वो तो उनके पास रह ही जाएगा, फिर डिलीट फॉर एवरीवन करने के बाद फिर उनके पास से वो फोटो हटेगा, नहीं तो वो फोटो उनके पास रह ही जाएगा। तो इसके बाद सेंड कर देंगे तो ये हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर तो ऐसे आप किसी को फोटो भेजेंगे तो एक ही बार उनके पास ओपन होगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको कैसे फोटो भेजना है, क्या करना है। तो आज के लिए इतना ही। तो ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, और बेल आइकन को ऑल पे सेट करके रख लीजिएगा ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो कि है वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।